नमस्कार, मैं हूँ सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है। मेंटेनेंस कैलोरीज की स्पेलिंग आप यहाँ देख सकते हो। इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो मेरे लिए है, आप सिर्फ जो मैं बोलूँ उसे समझ सकते हो। मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती है जो कि उतनी कैलोरीज अगर आप खाओ तो आपका वजन उतना ही रहे जितना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि हमारा वज़न बढ़ता था वह जब हम जितनी कैलोरीज हमारी शरीर खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा कैलोरीज अगर हम खाएंगे तो हमारा वज़न बढ़ेगा, और अगर उससे कम कैलोरीज खाएंगे तो हमारा वज़न कम होगा। तो जितनी एक दिन में मान लो जितनी कैलोरीज आपका शरीर खर्च कर रहा है अगर आप उतनी ही कैलोरीज खाओगे तो आपका वज़न उतना का उतना ही रहेगा। इसका मतलब मेंटेनेंस कैलोरी क्या हो गई, उतनी कैलोरीज जितनी आप एक दिन में खाओगे तो आपका वज़न उतना ही रहेगा, और वो कितनी है जितनी आप एक दिन में खर्च कर रहे हो। इसका मतलब जितनी आप एक दिन में कैलोरी खर्च कर रहे हो वही आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है, उतनी खाओगे तो आपका वज़न उतना का उतना ही रहेगा। इसको इंग्लिश में इस तरीके से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कैलोरीज बर्नड इज इक्वल टू कैलोरी ईटन, मतलब जितनी कैलोरी खाई उतनी ही जलाई, मतलब उतनी ही खर्च करी मेंटेन करने के लिए, वजन उतना का उतना ही रखने के लिए। और कैलोरीज इन इज इक्वल टू कैलोरीज आउट, मतलब कैलोरीज जितनी अंदर गई उतनी ही कैलोरीज हमने बाहर निकाली, बाहर कोई उल्टी करके नहीं निकाल रहे, बाहर निकाली मतलब उतनी ही हमारे शरीर से बाहर गई, मतलब उतनी ही खर्च हुई जो भी हमने पूरे दिन में काम किया उससे। इसको शॉर्ट में कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, सीको भी बोल देते हैं, सीको बोल देते हैं इसको, CICO ऐसे, मतलब कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट बोल देते हैं इसको। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इंटरनेट पे ये कई बार आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। अब मान लो आज मैंने 2000 कैलोरी खर्च करी तो मेरी मेंटेनेंस कितने पे हो जाएगी, 2000 पे, क्योंकि मैं 2000 कैलोरी खाऊंगा तो मेरा वज़न उतना का उतना ही रहेगा। मैं 2000 से ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा वज़न बढ़ेगा, मैं 2000 कैलोरी से कम खाऊंगा तो मेरा वज़न कम होएगा। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया। अब मान लेते हैं मेंटेनेंस कैलोरी के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आज मैंने 2100 कैलोरी, ये B का मतलब है इतनी मैंने बर्न करी मतलब खर्च करी, और E का मतलब है इतनी मैंने ईट करी खाई, ईटन है खाई, मतलब आज मान लो मैंने 2100 कैलोरी खर्च करी और मैंने 2100 कैलोरी खाई तो आज मेरा वज़न ना बढ़ेगा ना कम होगा। लेकिन मेंटेनेंस कैलोरी क्या सिर्फ एक दिन में नहीं देखी जाती, वो कई दिनों में कई हफ्तों के हिसाब से भी देखी जा सकती है। मैं सिर्फ समझाने के लिए एक दो उदाहरण दे देता हूँ। जैसे आज के लिए मैंने 2100 खर्च करी, 2100 खाई, मेरा वज़न उतना का उतना ही रहा। मान लो अगला दिन आया, कल का दिन आया, कल मैंने सोचा कि पहली बात तो ये कि 2100 कैलोरी मैंने खर्च करी है कहाँ से हुई, ये मैंने आपको पिछले मतलब अभी से एक वीडियो छोड़ के उससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो दिन में तीन चीज़ों में हमारी एनर्जी खर्च होती है, आप वो वीडियो जाकर ही देख सकते हैं, तो उनमें हमारी एनर्जी खर्च हुई है। तो मान लो आज पूरे दिन जो भी आप काम किया, आपने जो भी किया उसमें आपकी 2100 कैलोरी खर्च हुई थी पहले दिन, दूसरे दिन आपने वही सारे काम किए तो आपकी 2100 कैलोरी खर्च होती, पर क्या आपने सोचा कि आज भाग के आता है थोड़ी, तो आप थोड़ा भागने चले गए, भाग करके आए तो उसमें आपके 400 कैलोरी और खर्च हो गई, तो उस दिन पूरी मिलाकर के आपने 2500 कैलोरी खर्च करी, पर आपने खाना उतना ही खाया जितना पिछले दिन खा रहे थे तो आपने 2100 कैलोरी खाई। तो कल के दिन मतलब दूसरे दिन आपने 400 कैलोरी 2100 में से 2500 में 2100 कम कर लिया, तो 400 कैलोरी कम खाई। मैंने अपने वीडियो में बता रखा है आपको कि 800 कैलोरी 100 ग्राम के बराबर होती है, हमने 400 कैलोरी कम खाई है तो इस दिन के लिए आपका वज़न 50 ग्राम कम हो जाएगा। इसके बारे में मैंने अभी आपसे पिछले वीडियो में बात करी है, आप मेरे पुराने सारे वीडियोज़ देखते होंगे तो आपको सब समझ आता जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ, सारे एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक लाइन से चल रहे हैं। मान लो कल के दिन ऐसा हुआ, फिर उसके अगले दिन मतलब परसों के दिन आप फिर वही सब किया आपने पूरे दिन जो कर रहे थे, और फिर आप दौड़ने गए तो फिर मतलब 2500 कैलोरी आपकी उस दिन भी खर्च हुई। और इस दिन आपने क्या किया, आपने सोचा कि
आपने घर पे तो जो खाया वो खाई उतना ही खाया, पर फिर एक बार आप दोस्तों के साथ बाहर चले गए और आपने और बहुत सारा खाना खा लिया बाहर जाकर, उस दिन आपने 2900 कैलोरी खा ली मान लो, तो उस दिन घर से आपने 2500 करी लेकिन खाई 2900, 400 कैलोरी ज़्यादा खा ली, तो उस दिन जो 400 कैलोरी ज़्यादा खाई है वही 400 कैलोरी 50 ग्राम के बराबर होती है, तो आपका 50 ग्राम वज़न उस दिन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे 3 दिनों के ऊपर देखें तो 3 दिन में आपका वजन उतना का उतना ही रहेगा, वेट मेंटेन रहेगा। 2100 पहले दिन खाई थी और 2100 ही खर्च करी थी, बराबर रहा था। दूसरे दिन 400 कैलोरी कम खाई थी, अगले दिन 400 कैलोरी ज़्यादा खा ली, तो पूरे 3 दिन के ऊपर देखोगे तो आपका वजन उतना का उतना ही रहेगा, वजन मेंटेन हो के रहेगा। ऐसा ही आप पूरे हफ्ते में भी देख सकते हो। मान लो एक हफ्ते में आपने 5 दिन, कोई भी 5 दिन मान लो, मंडे मतलब सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार, ऐसे 5 दिन लगातार, 5 दिन होने जरूरी नहीं, कोई भी 5 दिन आपने हफ्ते में क्या किया, आपने रोज 200-200 कैलोरी जितनी आप खर्च कर रहे थे पूरे दिन में, जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज थी, जितनी आप खर्च कर रहे थे, जितने भी आपका वजन उतना ही रहता, उससे आपने रोज 200-200 कैलोरी ज्यादा खाई हफ्ते में 5 दिन, तो रोज 200-200 कैलोरी ज्यादा खाई, तो 200 × 5 आपने कुल मिलाकर के उन 5 दिन में 1000 कैलोरी ज्यादा खा ली अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, मतलब जितने पे आपका वजन उतना का उतना ही रहता है, उससे आपने 1000 कैलोरी 5 दिन में कुल मिला के ज़्यादा खा ली। और 2 दिन जो बचे उन 2 दिनों में आपने क्या किया कि आपने 500-500 कैलोरी कम खाई जितने आप पूरे दिन में खर्च कर रहे थे उससे, मतलब पूरे दिन में जितनी खर्च कर रहे थे उतनी खाते तो आपका वजन मेंटेन रहता, लेकिन आपने 2 दिन 500-500 कैलोरी कम खाई, तो कुल मिला के उन 2 दिनों में आपने 500 × 2 दिन 1000 कैलोरी कम खाई। तो पूरे हफ्ते में देखें तो आपने 5 दिन 200-200 कैलोरी ज़्यादा खा करके 1000 कैलोरी ज़्यादा खा ली, और 2 दिन 500-500 कैलोरी कम खा के 1000 कैलोरी कम खा ली। तो अगर आप इस पूरे हफ्ते में देखोगे ना, मतलब वो दो दिन कोई भी हो सकते हैं जब आपने 500-500 कम खाई, ज़रूरी नहीं है वो एक साथ 2 दिन हो लगातार 2 दिन, और वो 5 दिन भी कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो लगातार 5 दिन, तो इस पूरे हफ्ते में देखेंगे तो आपका वज़न उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि आपने कुल मिला के 5 दिन में 1000 कैलोरी ज़्यादा खाई और 2 दिन में आपने 1000 कम भी खाई कुल मिला के, तो आपका वजन उतना बहुत नहीं रहेगा। और ऐसे ही आप कई हफ्तों पे देख सकते हो सकता है आपने एक हफ्ते में, मान लो कुल मिला करके आपने एक हफ्ते में 7 दिन आप खूब दबा दबा के खा रहे थे, तो पूरे हफ्ते में आपने जितनी कैलोरी खर्च करी उससे पूरे हफ्ते में कुल मिला के आपने 2000 कैलोरी ज़्यादा खाई, और अगले हफ्ते में आपने उसका उल्टा कर दिया, उस हफ्ते में आपने जितनी कैलोरी खर्च करी आपने उससे 2000 कैलोरी कम खाई, तो 2 हफ्तों के अंदर भी आपका वजन बराबर रहेगा। मतलब कहने का मतलब है आप 2 हफ्ते, 1 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीने, आप ऐसे पूरे टाइम पे आप गिन सक मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि हम इतने टाइम में हमने जितनी कैलोरी खर्च करी थी इस पूरे टाइम में उतने से ज़्यादा खाए हैं। समझाने का ये मतलब है, जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो हो सकता है कि आपने ये सिर्फ 8 दिन की बात करी हो कि पहले 4 दिन हमने ऐसा किया, पहले 5 दिन हमने ज़्यादा खाई और 3 दिन हमने कम खाई, इस तरीके से। ये सब समझाने के लिए है, ज़्यादातर जो गिनती होती है वो गिनती 1 दिन के लिए ही होती है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ज़्यादातर जो गिनती होती है वो 1 दिन के लिए होती है। और एक और बात, इसे देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतनी मतलब हम जो खाना खा रहे हैं वो इतना सटीक तरीके से गिना जा सकता है, इतना एक्यूरेट तरीके से गिना जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप अपना खाना उतना ढंग से गिन भी लो तो आप वो नहीं गिन सकते जो आपका शरीर खर्च कर रहा है, उतना एकदम सटीक नहीं गिन सकते। अगर आपका शरीर दिन भर में 2445 कैलोरी खर्च कर रहा है तो एकदम ये पता करना बहुत मुश्किल है कि आप 2445 ही कर रहे हैं, 2446 नहीं कर रहे हैं, 2444 नहीं कर रहा, समझे? तो ये सिर्फ एक अंदाज पे बात होती है, मतलब अंदाजे पे बात होती है, ऐसे एकदम एकदम जैसे लिखने में जितना आसानी से हम लिख देते हैं ना कि 500 ज़्यादा खाई, 200 कम खाई, 300 ज़्यादा खाई, वो ऐसा असली में नहीं होता, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये मतलब पेन पेपर पे मतलब कॉपी किताब पे समझने के लिए। एक और बात, ये मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट होती है, मतलब मेरी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि मान लो मैंने एक बार पिछले से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप दिन भर में जो एनर्जी खर्च करते हो 3 जगह जाती है, आपकी बीएमआर कितनी है,
आपने पूरे दिन में क्या, आपके शरीर कितना चलाया है, क्या एक्टिविटी हुई है, क्या काम किया है, और आपने जो खाना खाया उसे पचाने में। मान लेते हैं आपकी BMR थी 1500 और 750 कैलोरी आपने आज पूरे दिन घर का जो काम किया उसमें आपकी खर्च हो गई, कुल मिला के 2250 कैलोरी आपने आज इतने से खर्च करी और आपने खाई 2500 कैलोरी, ठीक है। लेकिन इन 2500 कैलोरी को बचाने के लिए हमें इसकी लगभग 10% कैलोरी और चाहिए, मान लेते 250 कैलोरी इसे बचाने में खर्च हो गई। तो कुल मिला के आज आपके शरीर ने कितनी कैलोरी खर्च करी? 2250 जो BMR में लगी थी, मतलब और जो आपने पूरे दिन काम किया उसमें लगी थी, और 250 कैलोरी जो खाना खाया उसे बचाने में, कुल मिला के 2500 कैलोरी आपने खर्च करी और खाई कितनी थी? 2500। तो आपने खर्च करी थी 2250 प्लस 250, जो कि हो गया 2500, और 2500 ही आपने खाई थी, तो आपका इस दिन में वजन मेंटेन रहेगा। ये सारे एग्जांपल देकर मैं आपको समझाना चाहता था मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है। ये जो मैंने नीचे आपको 1 2 3 4 दिन, हफ्ते और 2 हफ्ते के एग्जांपल दिए, इन्हें देख के डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना सब समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ एक दिन के लिए समझ लो, 99% 99% बात सिर्फ एक दिन के लिए ही होती है, उससे ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको समझ आ जाए क्या हो रहा है। एक दिन पे बात हो रही है, आज मैंने इतनी कैलोरी खर्च करी तो आज मैंने उतनी कैलोरी खाई तो मेरा वजन उतना ही रहेगा, बस इतना ऐसा समझ लो। मेंटेनेंस कैलोरी कैसे ढूंढते हैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में लिखो, कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट में लिखो। अगर सब अच्छे से समझ आ रहा है तो ये भी लिख दो कि अच्छे से समझ आ रहा है, और नहीं आ रहा तो ये भी लिख दो कि अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में पता रहे ऐसा चाहते हो तो नोटिफिकेशन चालू कर दो, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।